हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम एसपी बख्शी बुक। सो दिस इज अ एसपी बख्शी समरी और इसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से याद कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को प्लीज थोड़ा सा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि ये वीडियो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। और अगर थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा इन वीडियोस को कंप्लीट करने के लिए, इस सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, प्लीज इसे आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखिए, सो दैट आई कैन नो दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट इज हेल्पिंग यू आउट। सो प्लीज आप इसे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आगे मुझे इस तरीके के वीडियोज बनाने हैं। अदरवाइज कॉन्टेंट के वीडियोज में आप लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, That's why इस ये वीडियो सीरीज की जो स्पेस है वो भी कम है। Alright, तो शुरू करते हैं आज की फ्रेजल वर्ब्स से। हम लोग इसमें फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और हमने तीन वीडियोस हमारी पहले आ चुकी हैं फ्रेजल वर्ब्स की, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट, अनअकैडमी पर पैरा जंबल्स क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैच हमारा चल रहा है। दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होगी। और इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से रात 8 बजे बैच हमारा चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, ये एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, यानी कि ये दो टॉपिक पे हमारा कोर्स आ रहा है जो कि 23 जुलाई से शुरू होगा, रात 8 बजे इसमें हमारी क्लास होगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स शुरू हो रहा है जो कि है कंप्लीट कोर्स ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो अगर आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, इसमें आप कंप्लीट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार कर सकते हैं। 15 जुलाई से ये बैच शुरू होगा। रीजनिंग की डेली हमारी फ्री क्लास होती है जो कि दोपहर के 1 बजे होती है। तो कल भी दोपहर में 1 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास है और 5 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपके लिए इस समय ऑफर चल रहा है सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, और आपको सिर्फ 5850 में 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन, और 3 साल यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल एक्स्ट्रा, तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7020 में मिल सकता है। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT यूज करना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो आपको नीचे दिख रहा है 8299117042 इस पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अनअकैडमी पर चल रहे हैं। ये सारे बैचेस अनअकैडमी पर आपको अवेलेबल है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे बैचेस आप जो है अनअकैडमी पे देख पाएंगे। इस समय ऑफर बैंक प्लस एसएससी के सब्सक्रिप्शन पे भी है, आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ्स एक्स्ट्रा और वो सिर्फ आप 8000 रुपए में, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल एक्स्ट्रा जो कि सिर्फ आप 10000 रुपए में ले सकते हैं। तो इस सब्सक्रिप्शन को भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप AMANT रेफरल कोड यूज करेंगे तो। और डेली दोस्तों जो दो फ्री क्लासेस हैं हमारी, 1 बजे रीजनिंग की और 5 बजे इंग्लिश की, इन दोनों क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर फ्री में पढ़ाइए, फ्री में कंटेंट दीजिए, तो डेली 2 फ्री क्लासेस हो रही हैं, 2 घंटे में डेली फ्री पढ़ा रहा हूँ, 1 बजे और 5 बजे। दोनों के लिंक्स जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्लास की पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी, तो उसको जरूर से ज्वाइन करो सो दैट आप उन क्लासेस का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप संडे को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए @AmanTrivedi, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पे @AmanTrivedi सर्च करके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड रील्स मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज के अपने पहले फ्रेजल वर्ब को जो कि है हमारा डन फॉर या फिर डन इन। डन फॉर या फिर डन इन का मतलब क्या होता है? तो डन फॉर या फिर डन इन का मतलब होता है टू बी रूइंड या बर्बाद हो जाने के सेंस में आता है। पूरी तरीके से आप डन फॉर या डन इन का मतलब हो गया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। सो फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ही अपीयर्स टू बी डन फॉर सिंस ही हैज लॉस्ट हैविली इन गेमिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है क्योंकि वो गेमिंग में बहुत बड़ा लॉस
उठा चुका, गैम्बलिंग में बहुत बड़ा लॉस उठा रहा है। तो गैम्बलिंग मतलब हो गया जुआ, तो जुए में बहुत बड़ा लॉस उसे हुआ है, इससे हम ये कह सकते हैं कि he is done for, यानी कि वो बर्बाद हो गया है। तो ये डन फॉर और डन इन दो हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन्हें आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपको ये कंगना की ये मूवी याद होगी, क्वीन फिल्म का ये सीन है जिसमें वो कहते हैं ना, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरी इतना खराब हो गई, इतना खराब हो गई, क्या बताएं कितना खराब हो गई। तो यानी कि शी इज डन फॉर या फिर डन इन, आप इसे आसानी से याद रखेंगे। तो ही अपीयर्स टू बी डन फॉर या शी अपीयर्स टू बी डन इन या शी अपीयर्स टू बी डन फॉर सिंस हर हस्बैंड लेफ्ट हर इन पेरिस। ठीक है, सो डन फॉर या डन इन का मतलब हो जाता है बर्बाद कर देना। ठीक है, टू बी रूइंड इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। ऑल राइट, अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब क्या होता है? ड्रॉ अप का मतलब होता है टू राइट, कंपोज या फिर ड्राफ्ट। ठीक है, कुछ लिखना, कुछ कंपोज करना या ड्राफ्ट करने का मतलब हो जाता है ड्रॉ अप। ठीक है, किसी चीज की रूपरेखा बनाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ अप। ठीक, आई वॉज बिजी ड्रॉइंग अप प्लान्स फॉर द न्यू कोर्स, यानी कि मैं नए कोर्स के लिए अब प्लान बनाने में बिजी था। तो ड्रॉ अप का मतलब हो गया किसी की रूपरेखा बनाना, किसी की ड्राफ्ट बनाना, किसी चीज को बनाने के लिए आता है ड्रॉ अप। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे इस फ्रेजल वर्ब को। तो किसी चीज को बनाने के सेंस में आप ड्रॉ अप याद रखेंगे। ड्रॉ अप का मतलब टू कंपोज समथिंग, टू मेक ड्राफ्ट ऑफ समथिंग और टू मेक आउटलाइन ऑफ समथिंग। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन। तो ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन का मतलब होता है टू गेट मनी फ्रॉम, एक ये भी मतलब हो सकता है। इसके अलावा टू यूज अ सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल टू यू, ये भी इसका अर्थ होता है, यानी कि आपके पास जो उपलब्ध है उसकी सप्लाई का इस्तेमाल करना भी ड्रॉ अप या फिर ड्रॉ अपॉन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि उपलब्ध चीजों को इस्तेमाल करना ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन जो आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर इसके हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा होता है ही वॉज एबल टू ड्रॉ ऑन वास्ट रिजर्व ऑफ टैलेंट, यानी कि वो अपने वास्ट रिजर्व ऑफ टैलेंट को इस्तेमाल करने में सक्षम रहा। तो ड्रॉ ऑन का या फिर ड्रॉ अपॉन का मतलब हो गया उपलब्ध चीजों को इस्तेमाल करना। उसके पास टैलेंट था तो उस टैलेंट को यूज करने में वो काफी सक्षम रहा। तो यहां पर ड्रॉ ऑन या ड्रॉ अपॉन हो गया। अगला जो फ्रेजल वर्ब इसी अगला एग्जांपल हो जाता है आई विल हैव टू ड्रॉ ऑन माय सेविंग्स, यानी कि मुझे अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए आ जाता है ड्रॉ ऑन या ड्रॉ अपॉन। मतलब हो गया मुझे अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ेगा, सेविंग्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ अपॉन आपका इस्तेमाल हो जाता है। अगला है द नॉवेलिस्ट ड्रॉज हैविली ऑन हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि नॉवेलिस्ट जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत हैविली यूज करता है लिखने के लिए। तो ड्रॉ ऑन या ड्रॉ अपॉन के मैंने दो अर्थ आपको बताए, उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करना। अब वो उपलब्ध आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपके मनी हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, या किसी भी चीज को हम ड्रॉ ऑन के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस फ्रेजल वर्ब। ऑलराइट, अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारी ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन इज वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब, ये अक्सर आपको यूज में इस्तेमाल में दिखेगी। मीनिंग हो जाता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, कहीं पे शॉर्ट विजिट देना, कहीं पे थोड़ी समय के लिए घूमने जाना, कहीं पर कहना कि आई जस्ट ड्रॉप्ड इन, मुझे लगा कि चलो मिल लेते हैं। तो ड्रॉप इन का मतलब होता है मिलना, मुलाकात के लिए जाना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल I thought I would just drop in and see how you were. मुझे लगा कि मैं बस तुमसे मिलूं और देखूं कि तुम कैसे हो। तो drop in का मतलब होता है आप किसी से अचानक थोड़े समय के लिए मिलने के लिए चले जाएं, short term के लिए, बहुत कम समय के लिए मिलने चले जाएं, तो उसके लिए आता है drop in. She just dropped in, यानी कि वो बस थोड़े समय के लिए आई और उसके बाद चली गई। तो बहुत short visit के लिए आता है drop in, और जो कि अचानक से plan हो। ठीक, अगली फ्रेजल वर्ब हमारी हो जाती है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत कॉमन टर्म है ये। ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है रिटायर इन द मिडस्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ आप कर रहे थे, आप उससे अगर रिटायर हो जाते हैं तो ड्रॉप आउट होता है। बहुत कॉमन फ्रेज है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स के लिए यूज होता है आपका, किसी काम को छोड़ देना या वापस लेने के लिए आता है ड्रॉप आउट। ठीक,
she could not qualify for the selection as she dropped out while the race was in progress. यानी कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि जब रेस चल रही थी वो तभी बीच में उससे अलग हो गई, बीच में ही उसने उसे छोड़ दिया. तो ड्रॉप आउट आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग इस कॉलेज ड्रॉप आउट, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है. तो ड्रॉप आउट का सेंस बहुत आता है, मतलब होता है किसी काम आप कर रहे थे आप उसे बीच में छोड़ते हैं तो उसके लिए आता है ड्रॉप आउट. और मैक्सिमम टर्म जो है ये कॉलेज ड्रॉप आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल बैक. फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट या फिर पीछे हटने के लिए आता है फॉल बैक. ठीक है, मैदान छोड़ना या पीछे भागना, मैदान छोड़ के भागना, दुम दबा के भागना फॉल बैक कहलाएगा. द राइटर फेल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड. जैसे ही पुलिस पहुंची दंगाई वहां से भाग गए. तो फॉल बैक मतलब होता है रिट्रीट या फिर पीछे भागना. सो आपको याद होगा ये इमेज, पाकिस्तान फेल बैक व्हेन इंडिया अटैक्ड विगरसली. भारत ने जब पूरी ताकत से पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान दुम दबा के भाग गया, पीछे भाग गया. तो रिट्रीट के लिए आ जाता है आपका फॉल बैक. ठीक, फॉल बैक मतलब हो गया पीछे हटना या मैदान छोड़ के भागने के सेंस में आता है फॉल बैक. अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल बैक ऑन. सो फॉल बैक ऑन, देखो फॉल बैक अलग है और फॉल बैक ऑन अलग है. फॉल बैक को आप अगर दिमाग में बैठाना चाहते हो तो ऐसे याद रख लो कि पीछे गिरना मतलब पीछे भागना. अब फॉल बैक ऑन मतलब हो गया पीछे किसी वस्तु पे गिरना. और अगर आप किसी वस्तु पे पीछे गिर रहे हो तो वो एक अच्छी चीज है, यानी कि आपके पास कोई सपोर्ट है, सपोर्ट है आपके पास, डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होने के लिए आता है फॉल बैक ऑन समथिंग. सो सहारा लेना या फिर आश्रित होने के लिए आता है फॉल बैक ऑन. So you must save money to fall back on in old age. आपको पैसे बचाने चाहिए old age में अपने किसी आश्रित होने पर depend होने के लिए. So fall back on का मतलब हो गया सहारा लेना या फिर आश्रित होना. So you must save money to fall back on in old age, यानी कि बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में आपको depend होने के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए. ठीक है, सो फॉल बैक के लिए आप याद रख सकते हैं ये गाना आपने सुना, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, यानी कि हम तुम पे डिपेंड करते हैं तुम हम पे डिपेंड करते हो. तो आई फॉल बैक ऑन यू एंड यू फॉल बैक ऑन मी. तो इसको याद रख सकते हो इस तरीके से, फॉल बैक ऑन मतलब हो जाता है किसी पर डिपेंड करना और फॉल बैक इसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. ठीक, ओके. अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है आपका फॉल ऑफ. फॉल ऑफ का मतलब हो जाता है आपका डिक्रीज या इन नंबर और गेट सेपरेटेड, संख्या में कम होना या फिर अलग हो जाना. फॉल ऑफ मतलब जैसे माउस से इसका कवर ये अलग होके गिर जाए, तो दैट फेल ऑफ, एक तो वो हो जाएगा. दूसरा फॉल ऑफ मतलब फॉल बैक, फॉल ऑफ का मतलब हो जाता है कि संख्या में गिरावट आना. ठीक है, सो एग्जांपल हो जाएगा आपका, इन द वेक ऑफ रूफ ट्रेजेडी द एडमिशन इन द स्कूल हैव फॉलन ऑफ. यानी कि रूफ ट्रेजेडी के इन वेक ऑफ रूफ ट्रेजेडी जो हुई है उसको दिमाग में रखते हुए एडमिशन जो स्कूल में है वो फॉल ऑफ हुए हैं, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम हुई है. ठीक है, तो फॉल ऑफ मतलब होता है किसी की संख्या में गिरावट आना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाता है हमारा. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे रूफ ट्रेजेडी, छत गिर गई थी स्कूल की, इसकी वजह से संख्या में गिरावट आई, तो फॉल ऑफ मतलब हो जाता संख्या में गिरावट आना या फिर किसी चीज का उसे टूट के अलग होना. अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल आउट. तो फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल, झगड़ा. ठीक है, तो दो लोगों में विच्छेद होना, झगड़ा होना, लड़ाई होने के सेंस में आता है फॉल आउट. ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इशू. यानी कि ये दो दोस्त जो हैं बहुत ही छोटे से इशू पे ऐसा लग रहा है कि उनमें क्वेरल हो गया, उनमें झगड़ा हो गया, उनमें विच्छेद हो गया है, उनमें एक विवाद हो गया है. तो फॉल आउट मतलब होता है दो लोगों में झगड़ा होना, विवाद होना. ठीक, सो आपको याद होगा इसमें जो फॉल आउट मतलब हो जाएगा एक तरीके से विवाद होना या झगड़ा होने के सेंस में आ जाता है आपका फॉल आउट दो दोस्तों के बीच में. ठीक, नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है फॉल इन लाइन विद. फॉल इन विद, तो फॉल आउट मतलब हो गया विवाद होना और फॉल इन विद मतलब क्या होता है, तो फॉल इन विद मतलब हो जाता है एग्री करना, सहमत होना किसी से. ठीक है, राजी हो जाना. तो
instead of challenging the lie, she fell in with their views. यानी कि उनके झूठों को चैलेंज करने के बजाय वो उनके ओपिनियंस, उनके व्यूज से सहमत हो गई. तो फॉल इन विद का मतलब हो जाता है एग्री विद somebody या सहमत हो जाना. तो आपको याद होगा वासेपुर में जैसे जो ये पंकज त्रिपाठी और इसका भाई होता है, तो ये अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए राजी हो जाता है सरदार खान के लड़के से. सो हाउ पंकज त्रिपाठी उससे कह सकता है, हाउ डेयर यू फॉल इन लाइन विद देम. तो आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ शादी करने के लिए राजी होने में. तो फॉल इन लाइन का, फॉल इन विद का मतलब होता है राजी होना, एग्री करना, सहमत होना किसी बात से. तो फॉल इन विद मतलब होता है राजी होना या एग्री करना. ठीक, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पिछला हमने फ्रेजल वर्ब याद किया था फॉल आउट. सो दिस मैरिज, दे फेल आउट ओवर दिस मैरिज इशू, यानी कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ओवर दैट मैरिज इशू. ठीक है, शादी के इस विवाद पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया. तो फॉल आउट मतलब झगड़ा होना, फॉल इन विद मतलब राजी हो जाना. ये दोनों फ्रेजल वर्ब आप ये बहुत अच्छे से याद कर लेंगे. अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल थ्रू. फॉल थ्रू का मतलब होता है टू रिमेन इनकम्प्लीट या फिर फेल हो जाना. किसी काम में सफल ना होना या फिर फेल हो जाने के लिए आता है फॉल थ्रू. सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर वॉन्ट ऑफ सफिशियंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू. यानी कि सफिशियंट फंड की कमी में आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट रहने वाला है. ठीक है, यानी कि चूंकि आप फंड्स की कमी है इस वजह से जो नया प्रोजेक्ट है दैट विल इज लाइकली टू फॉल थ्रू, यानी कि दैट इज लाइकली टू रिमेन अनसक्सेसफुल. क्योंकि पैसे की कमी है इस वजह से जो नया प्रोजेक्ट है वो दैट इज लाइकली टू रिमेन अनसक्सेसफुल. तो फॉल थ्रू का मतलब होता है इनकम्प्लीट रहना, अनसक्सेसफुल होना. ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल आप इसे याद रख सकते हैं. ठीक, अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉलो अप. तो फॉलो अप टर्म आपने अक्सर सुना होगा. फॉलो अप डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कि फॉलो अप न्यूज में, फॉलो अप न्यूज नहीं हुई. फॉलो अप न्यूज मतलब कोई न्यूज छपी, उसके आगे क्या प्रोग्रेस हुई, उसके आगे क्या प्रोग्रेस हुई, उसको कहेंगे फॉलो अप. और या फिर डॉक्टर को आप एक दिन दिखाने गए, उसके बाद आप दोबारा दिखाने गए, तो उसे कहते हैं फॉलो अप पेशेंट. तो परसू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में उसके बाद उसे फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप. तो जांच करना, आगे की कार्यवाही करना, फॉलो अप करना कहलाएगा. सो द आइडिया हैज बीन फॉलोड अप बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स. ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने इस आइडिया को अच्छे से फॉलो अप किया है, यानी कि उन्होंने इसे परसू किया है, आगे भी उसकी जानकारी इकट्ठा की है. ठीक है, तो डॉक्टर्स के सेंस में आता है, जैसे डॉक्टर ने इस पेशेंट का फॉलो अप पेशेंट है, यानी कि एक पेशेंट पहली बार आ चुका है, अब उसके बाद आ रहा है. कोई फॉलो अप केस है, यानी कि पहले उस केस के बारे में बात हो चुकी है एंड उसके बाद उसकी चीजें हो रही हैं. जैसे ये फॉलो अप वीडियोस हैं, क्योंकि पहला वीडियो हमने बना दिया था फ्रेजल वर्ब का, उसके बाद के आगे के वीडियोस हैं. अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाता है वो है गेट अहेड. तो गेट अहेड सिंपल है, गेट मतलब पहुंचना, अहेड मतलब आगे, तो कहीं आगे पहुंचना, गो फॉरवर्ड के लिए आता है गेट अहेड, जीतने के सेंस में. You can get ahead of your rivals by your hard work. आप अपनी कठिन मेहनत से अपने rivals से आगे निकल सकते हो. तो get ahead मतलब होता है go forward या फिर जीतना. ठीक, so simple है ये वाला, get ahead मतलब जीतना या फिर आगे निकलना. Get along, get along काफी famous है, get along important है, इसको ध्यान रखिए. Get along का मतलब होता है to be friendly with, किसी से friendly होने के लिए आता है get along. I cannot get along with her, यानी कि मैं उसके साथ friendly नहीं हो पाया. ठीक है, so they just can't get along together because of her temperamental differences. वो आपस में एक साथ नहीं रह सकते उनके temperamental differences की वजह से. तो get along मतलब होता है to be friendly. So both of them can never get along together. ठीक है, both of them can never get along together, कभी भी वो friendly नहीं हो सकते एक दूसरे से. तो get along मतलब होता है friendly होना. ठीक है, alright. अगला जो हमारा phrasal verb होता है वो है get at. Get at मतलब होता है कहीं पर पहुंचना या किसी चीज को पाना, किसी चीज को पाना या फिर पहुंचना या समझना. ठीक है, तो पहुंचना, प्राप्त करना. It is very difficult to get at the truth. सत्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में.
तो गेट एट मतलब हो जाता है कहीं पे पहुंचना, ठीक है। अगर आप वर्तमान कट ऑफ देखें तो इट्स नॉट इजी टू गेट एट आर रेप्यूटेड पोस्ट इन एसएससी सीजीएल, तो इट्स नॉट, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है एक रेप्यूटेड पोस्ट तक, एसएससी सीजीएल की एक रेप्यूटेड पोस्ट तक पहुंचना, ठीक है। तो गेट एट मतलब होता है कहीं तक पहुंचना। अगला है गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है बच के निकल जाना, एस्केप होना, भागना, ठीक है, एस्केप बच जाना, फरार हो जाना। सो दी गॉट अवे ऑन स्कूटर, वो स्कूटर से फरार हो गए, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, दे जस्ट गॉट अवे आफ्टर बॉम्बिंग द सिटी, शहर में बम मारने के बाद में वो गॉट अवे, वो फरार हो गए, भाग गए। तो गॉट अवे मतलब हो जाता है फरार होना या भाग जाना। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अवे विद, तो गेट अवे विद का मतलब भी हो जाता है, जैसे यहां था फरार हो जाना, अब इसका मतलब हो गया कि यू कैन नॉट गेट अवे विद लाइक दैट, यानी कि बिना पनिशमेंट के आप बच जाएं। तो विदाउट बीइंग पनिश्ड और विद लिटिल पनिशमेंट, लिटिल या फिर फ्यू, जिसके पहले आर्टिकल नहीं होता उसका मतलब होता है नो, तो विद लिटिल पनिशमेंट मतलब विद नो पनिशमेंट। सो गेट अवे विद मतलब होता है तो विदाउट बीइंग पनिश्ड और विद लिटिल पनिशमेंट, ठीक, बिना किसी सजा के या थोड़ी सी सजा के साथ बच जाना। सो although his fault was serious, he got away with light punishment. यद्यपि उसकी जो गलती थी वो काफी सीरियस थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी सजा से बच के निकल गया। तो got away with याद रखेंगे इसको आप, और आप इसे इस वाली में से इसे भी याद रख सकते हैं, they got away with little punishment, यानी कि वो बहुत बिना किसी पनिशमेंट के वो बच के निकल गए। तो got away with मतलब हो गया बच के निकल जाना। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है आपका प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। सो हाउ आर यू गेटिंग ऑन मतलब कैसे आगे बढ़ रहे हो, कामयाबी प्राप्त करने के लिए आता है। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विद योर स्टडी, तो कैसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहा है, कैसे कर रहा है, तो उस सेंस में आता है। गेट ऑन मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब वो हो जाता है गेट ऑन विद, तो गेट ऑन मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, और गेट ऑन विद का मतलब हो जाता है आपका लिव टुगेदर या पुल विद। तो गेट अलोंग या गेट ऑन विद का मतलब भी हो जाता है आपका लिव टुगेदर या फिर पुल विद, एक साथ रहना, ठीक है। तो साथ रहना या साथ खींचने के लिए आता है आपका गेट ऑन विद। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग ऑन वेल विद ईच अदर, यानी कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो गेट ऑन विद का मतलब हो गया साथ रहना, ठीक है। तो ये आसान फ्रेजल वर्ब था, इसे भी आसानी से याद रखेंगे। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा गेट ओवर, तो गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक या फिर कम ओवर, किसी बीमारी से उबरना, किसी शॉक से उबरना के लिए आता है गेट ओवर, ठीक है, उबर पाने के लिए। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि वो अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो गेट ओवर मतलब हो गया रिकवर फ्रॉम इलनेस या शॉक या फिर कम ओवर, किसी शॉक किसी बीमारी से उबर के उबरना के सेंस में आता है गेट ओवर, ठीक है। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस, वो अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो उबरने के लिए आता है आपका गेट ओवर, ठीक है। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर दिस, यानी कि वो अभी भी इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे दोस्तों आज के फ्रेजल वर्ब थे, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो दोस्तों आपने यहाँ तक एंड तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं आज तक किया है, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके पैसे नहीं लगते। और प्लीज वीडियो को शेयर करो, प्लीज शेयर करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकें, सो दैट आई कैन गेट इनफ मोटिवेशन टू कंप्लीट दिस सीरीज। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, एक एक कॉन्टेंट को बनाने में चीज़ों में समय लगता है, एनर्जी लगती है, और उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे की सीरीज को कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।